तो स्वागत है आप सबका। आज हम ये देखने वाले हैं कि छोटी से छोटी चीज कैसे पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेब यानी एप्पल से। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अभी, इतना अच्छा चीज है, इसने क्या हंगामा कर दिया। काश हमारे आइज़ैक न्यूटन साहब ने भी यही सोचा होता। अब जैसे हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे कि सर आइज़ैक न्यूटन चल रहे थे, वो थक गए थे तो उनको एक पेड़ दिखा जिसके छांव में वो बैठ के आराम करना चाहते थे, और तभी वो कमीना सेब उनके सिर पे गिरा। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं कि वो सेब उन्हीं के सिर पे गिरना था, प्रॉब्लम ये है कि आप थके हारे हो, इतना चल के आए हो, उसको अपने कपड़े से पोंछो, खा के और आराम करो। लेकिन नहीं, हमारे न्यूटन साहब को तो उस चीज पे सोचना था कि वो एप्पल इनके सिर पे क्यों गिरा, उस एप्पल को नीचे कौन खींचता है। अरे भाई थके हारे हो यार, खा के सो जाओ चुपचाप, क्यों इतना दिमाग लगाना है। लेकिन जैसे तैसे करके आइज़ैक न्यूटन साहब ने ग्रेविटी को खोज निकाला और उसको पब्लिश कर दिया, जो आजकल के बच्चों को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में 105% आएगा वो। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि उसको पढ़ के लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है कि हमको पढ़ाया कुछ और जाता है और पूछा कुछ और जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई पूछे ग्रेविटी क्या है, आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी वो चीज है जो सबको नीचे खींचता है, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़े हो ग्रेविटी के बारे में या जो आपको मालूम है कि ग्रेविटी क्या होता है, वो आप अपने शब्दों में एग्जाम में नहीं लिख सकते। मैंने खुद कोशिश किया था वो लिखने का, मुझे एक बड़ा सा अंडा दे दिया टीचर ने, कमी नहीं कही कि। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह लिखना होता है, ग्रेविटी इज अ फील्ड एमिटेड फ्रॉम अ क्रिएटेड इंस्टेंस दैट कॉजेस मैटर टू हैव अट्रैक्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसको समझ आया ये? हाथ उठाना जरा, और जिसने भी झूठ मूठ का हाथ उठाया ना, मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसका 3 दिन खड़ा नहीं होगा। अब झूठ का हाथ उठा के दिखाओ, मतलब ये अगर मैं पूरा साल भी पढ़ा ना, मैं नहीं लिख पाऊंगा। ये क्या ये प्रोपोर्शनल टू इस मास, ये काहे का मास? वो मूवी देखा था, वो एक मास वो मार रहा था 100 लोगों को, क्या मास? मुझे उसके अलावा कोई मास नहीं मालूम यार। आइज़ैक न्यूटन साहब, क्यों करना था आपको ये सब? उसको खा के सो जाते यार, क्यों हम स्टूडेंट्स की मारने के पीछे लग गए थे आप यार? आइज़ैक न्यूटन साहब, आपको पता नहीं आपको कितना पाप और कितनी गालियाँ पड़ रही है स्टूडेंट से। मैं बताना नहीं चाहता, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको गालियाँ बहुत पड़ रही है। अब आज के दूसरे चीज पे बढ़ते हैं, जो है डैंड्रफ। अब आप यूँ सोचेंगे कि अभी डैंड्रफ ने क्या कर दिया, वो तो एप्पल से भी छोटा और वो तो फ्री में आता है, वो क्या कर सकता है? तो आप इन दोनों को देखिए। अब आप यूँ सोचेंगे कि इन दोनों को देख के डैंड्रफ का क्या कनेक्शन निकलता है। मैं हूं ना, मैं बताता हूँ, आप डरिए मत। ये वीडियो को देखिए जरा थोड़ी देर। हर छोटी डिटेल दुनिया क्लोजअप में देखेगी, डैंड्रफ भी। I have nothing to hide. Really? देखते हैं। Nothing to hide, nothing to hide, nothing. Cameras, तुम पे भी हैं। डैंड्रफ देखने का। अब पता चला डैंड्रफ ने क्या किया? अगर अभी भी पता नहीं चला तो मैं हूं ना यार, मैं बताता हूँ क्या किया। एक खिलाड़ी और एक हीरोइन को मिलाने वाला कौन? डैंड्रफ। विराट और अनुष्का की शादी विदेश में होने का कारण कौन? डैंड्रफ। 372 करोड़ वाले और 220 करोड़ वाली को एक साथ लाने वाला कौन? डैंड्रफ। इन दोनों के बच्चे हुए तो उसका कारण कौन होगा? डैंड्रफ। डैंड्रफ ने बना दी जोड़ी। अभी समझे डैंड्रफ ने क्या कर दिया है? मैं खुद इस वीडियो से इतना इंस्पायर हो चुका हूँ कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि 2 हफ्ते ना नहाओ, डैंड्रफ के साथ साथ धूल और मिट्टी भी ऐड हो जाएगा, शायद मेरा भी किस्मत ऐसा खुल जाए, क्या पता, कोशिश करने में क्या है। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हम फेसबुक में लेके आ चुके हैं, और ये मैं इतना बोलता हूँ कि हमको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक में ही लाइक और फॉलो मिल रहा है, यूट्यूब में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इस बार मैं ये बोलूँगा, हम यूट्यूब में भी लेके आ चुके हैं, प्लीज़ वहाँ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में लाइक और फॉलो कीजिए। चलो थैंक यू, बाय।